नमस्कार। और आज कोटद्वार दुगड्डा मोटर मार्ग पर इस वक्त मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, बरसात का सीज़न है और प्री मानसून, जिसे बोल सकते हैं कि प्री मानसून आए हैं। और इस दौरान जैसे आपने देखा कि पिछली बार भी, पिछले साल की अगर बात की जाए, तो कोटद्वार दुगड्डा मोटर मार्ग पर कई हादसे हुए थे बरसात के कारण। और कई बार देखने को मिला कि मलबे के कारण लगातार कई दिनों तक मोटर मार्ग पूर्ण रूप से बाधित भी रहा। वहीं चार दिन तक, मैं बात करूं पिछले साल, लगातार चार दिन पूर्ण रूप से ये कोटद्वार दुगड्डा मोटर मार्ग बाधित रहा, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई। वहीं इस साल की अगर बात की जाए तो इस साल प्री मानसून यानी कि पहले ही मानसून में यहां पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली है कि यहां पर सारा जो कार्य है पूरा इस तरह से बाधित हो रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर हैं, परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बाधित हो रहा। आइए चलते हैं मार्ग की तरफ और लगातार आपको अपडेट भी बताते रहेंगे। और इस जो कोटद्वार दुगड्डा मोटर मार्ग की अगर मैं बात करूँ, जो ये मोटर मार्ग जहाँ पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं, पाँच मील जिसको बोलते हैं, पाँच मील के पास, और पाँच मील के पास सबसे पहले एक दुखद घटना यहाँ पर सुनने को मिली थी, जो कि घटना हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक मैक्स बोलेरो वाहन दब गया था, नीचे मलबे में दब गया था। और वो मलबा आप देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ, आप देखिए अगर कैमरामैन दिखा सके तो, नीचे की तरफ जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, यहीं वो मैक्स वाहन अभी भी दबा हुआ है और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी मौके पर, जो कि वहां पर दबा रह गया था। इसके साथ नौ लोग वहां पर मौजूद थे। और ये गाड़ियां आप देख रहे होंगे किस तरह से जा रही हैं यहां पर, बिल्कुल लगातार प्रशासन सक्रिय ज़रूर है, जेसीबी मशीन मौके पर मौजूद हैं, तुरंत मार्ग को खोलने का प्रयास ज़रूर किया जा रहा है ताकि मार्ग को जल्द से जल्द खोला जा सके। और देखिए कीचड़ भी है, टू व्हीलर के लिए बड़ा ख़तरनाक ये रास्ता देखने को मिल रहा है कि टू व्हीलर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि टू व्हीलर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक तरीके से टू व्हीलर यहाँ पर रपट सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती है। लेकिन प्रशासन द्वारा भी पूरी तैयारियां की गई हैं, जेसीबी वाहन मौके पर मौजूद है, जेसीबी वाहन लगातार यहाँ पर हैं कि जैसे ही मार्ग टूट रहा है, जैसे कल आपने देखा कि मार्ग सुबह 9 बजे खोला गया, उसके बाद फिर दोबारा बाधित हुआ 3:30 बजे के बाद, उसके बाद फिर रात को फिर प्रयासरत रहा। और ये देखिए ये मंजर, जहाँ पर बड़ा डेंजर जोन पाँच मील के पास में, ऊपर आप देख रहे होंगे किसने बड़े बड़े बोल्डर है, पूरा मलवा है, और ये सारा बोल्डर और मलवा आकर के जब यहाँ पर रोड पर है, और रोड आप देख रहे होंगे इसकी हालत, सड़क की हालत वहाँ दूर से आपको दिखा नहीं होगा, जो मैक्स वाहन की मैं बात कर रहा था कि जो दबी हुई है, आप देख सकते हैं ये मलवा, देखिए किस कदर ये मलवा है, और इस मलबे के अंदर मैक्स वाहन दबा हुआ है और अभी तक उसको बाहर भी नहीं निकाला गया, ऐसे हालात में निकाल भी नहीं सकते हैं। और बड़ा डेंजर यहाँ पर चल रहा है, पेड़ ऊपर आप देख रहे होंगे लटके हुए हैं और ये फिर दोबारा से ये गिरेंगे, अभी फिर बरसात होगी तो दोबारा गिरेंगे। प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है इस बार, क्योंकि पिछले साल ज़रूर प्रशासन ने यहाँ पर सबब ज़रूर लिया है, और उसका सबक जो है कि पहले ही एडवांस में प्री प्लानिंग प्रशासन द्वारा की गई थी। ये बहुत अच्छी बात है कि जेसीबी मशीन और पॉकलैंड मशीनें यहाँ पर मौके पर मौजूद थी, और ये बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है और निरंतर प्रयासरत है। और इस बार ऐसे ज़्यादा इतना लंबा समय नहीं देखने को मिला कि पूरे दिन ये यातायात पूर्ण रूप से बंद रहा हो या पूरे दिन इस तरीके की चीज़ें चल रही हों, तो लगातार कुछ ही घंटों में ये मोटर मार्ग को खोल दिया गया और उसको बेहतर कर दिया गया था। और आप देख रहे होंगे कि लगातार ये गाड़ियां किस तरह से जा रही है, वन वे ट्रैफिक यहां पर किया गया है। और सभी लोगों से भी हम बोलते हैं कि आप सभी लोग अगर इस रूट पर आ रहे हैं तो अगर ज़रूरत हो तभी आएँ। और मंजर आप देख सकते हैं कि किस कदर यहां पर, ये देखिए पेड़ है, पूरा मलबा है, पत्थर है, बोल्डर है बड़े बड़े। और जैसे कि जिस दिन ये मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसी दिन रात को अगर बात की जाए तो ऐता पेट्रोल पंप के पास भी एक ट्रक है, उसके ऊपर बोल्डर गिर गया था, उसमें भी एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जो कि बूंगा निवासी थे। तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटनाओं को जरूर न्योता दे रहा है, और संभल कर चलें और ज़रूरत पड़े तो तभी आप यहाँ पर यात्रा करें। थोड़ा आगे आपको भी दिखा देता हूँ, जो कि एक रपटा यानी कि जो रौला है जिसको हम बोलते हैं, जो लगातार आए दिन यहाँ पर बड़े फ्लो के साथ पानी आता है। और अगर बात की जाए इस रपटे की, इस रौले की, तो इस रौले पर अगर बात की जाए तो कई बार, एक बार एक मोटरसाइकिल भी नीचे गई थी, कई बार दुर्घटनाएं ज़रूर हुई हैं। और हालांकि इसमें कई बार हम लोगों की भी गलतियां होती है, कुछ लोग ज़बरदस्ती, जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो ज़बरदस्ती उस पानी में निकल जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें ना करें।
आप सभी लोगों से हम ये भी ज़रूर निवेदन करते हैं कि आप इस तरह की चीज़ें ना करें कि ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को दिखाएं और ज़बरदस्ती आप देखें कि अगर पानी का फ्लो है और उसके बाद भी उसको काम करते रहें तो इस तरह की चीज़ें ना करें। आप लोग भी बच के चले, सावधानी स्वयं आपको बरतनी होगी और अपने आप ही सावधानियाँ रखनी होंगी। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वन वे ट्रैफिक ज़रूर हो गया है और जिसके कारण कहीं ना कहीं वन वे ट्रैफिक के बाद ये देखिए जाम लगने की समस्याएँ ज़रूर हो रही हैं। तो ध्यान रखें, जाम अगर लगे तो सुरक्षित स्थान पर अपनी गाड़ियों को खड़ा करें, क्योंकि अगर जाम लगता है तो कहीं ना कहीं जाम लगने के कारण भी काफ़ी दुर्घटनाएं जैसे हो रही हैं। जैसे आपने देखा कि जो ट्रक था वो साइड में खड़ा था और उसके ऊपर बोल्डर गिर गया था। तो जाम लगने के दौरान भी आप लोग सभी लोग देख लें कि जाम लगता है तो उस दौरान भी ऊपर की तरफ आप ज़रूर देख लें कि कोई ख़तरा तो नहीं है, किसी तरह से वो तो नहीं है। और इधर आपको रौले की तरफ भी हम आपको दिखा दें कि किस कदर यहाँ का मंजर है। आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर गिरे हुए हैं और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएँ बहुत होती हैं और हर साल की दुर्घटनाएं होती हैं। और आप ऊपर से देख रहे होंगे कि किस कदर ये पहाड़ी दरक रही है, पूरे बोल्डर पत्थर ये सारी चीज़ें यहाँ पर दरक कर आ रही हैं और ऊपर से नीचे की ओर जब आती हैं तो बड़ा ही विकट ये दृश्य होता है। तो ज़रूर आप सभी लोग बचें। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आप देख रहे होंगे मौके पर मौजूद है। जब यहाँ पर किसी तरह से मलबा आता है, बोल्डर आता है, उस दौरान ये चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं और यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि प्रशासन द्वारा इस बार ज़रूर यहाँ पर प्रयास ज़रूर किया गया है कि इसको रोका जाए। और एक और विचार अगर प्रशासन तक पहुँच जाए तो ये कहना है कि जो आप देख रहे होंगे कि ये लगातार इसमें लैंडस्लाइडिंग होती है, हर साल इसमें लैंडस्लाइडिंग होती है, तो क्यों ना यहाँ पर टनल, फ्लाईओवर की तरह टनल, जैसे कि पुल के टनल बनाए जाते हैं उस तरीके से नदी के किनारे किनारे इसका जब अगर कॉरिडोर बनेगा, इसका जो पूरा मैप बनाया जाएगा और पुल जब जाएगा उसके बाद जो ये मलबा है उसके नीचे जाएगा, हाथी कॉरिडोर, हाथी की भी समस्या दूर हो जाएगी। तो तमाम चीज़ें हैं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि बड़ा प्रोजेक्ट ज़रूर होगा लेकिन इस पर कार्य तभी हो सकता है कि जब सरकार इसको अपने तरीके से ले। और सभी लोगों से हम ये भी निवेदन करते हैं कि अगर ज़रूरत हो तभी आप कोटद्वार दुगड्डा मोटर मार्ग पर यात्रा करें और अगर कोई आवश्यक कार्य ना हो तो यहाँ पर यात्रा ना करें और सुरक्षित रहें, सुरक्षित तरीके से चलें और बेहतर तरीके से वेदर फोरकास्ट भी आप देखें कि वेदर फोरकास्ट किस तरीके का है, बारिश है या नहीं है। अगर आपको संभावना लगती है कि बारिश आ रही है तो कोटद्वार में रुक जाएं या दुगड्डा में रुक जाएं और अननेसेसरी आप सभी लोग पेन ना लें और अननेसेसरी वहाँ पर न जाएँ तो अच्छा रहेगा और यात्रा को मंगलमय बनाएँ। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।